I never made it, but I know I did. Hello everyone, तो आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस छोटे शहर से बड़े शहर तक। जी हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा छोटे शहर से बड़े शहर में आके। ये बड़ा शहर है और यहाँ लड़के लड़कियाँ फ्रेंडली दिखते हैं और यहाँ छोटे शहर में भी बच्चे फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली रहते हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं फ्रेंडली रहते हैं काफ़ी, और यहाँ थोड़ा सा काफ़ी, मतलब यहाँ का कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि छोटे शहरों के मुकाबले यहाँ का कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। और जी हाँ, मैं अभी हूँ ग्रेटर नोएडा, जो काफ़ी समझ सकते हो डेवलप सिटी है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है इसको, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या क्या मुझे यहाँ अलग लगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा छोटे शहर से बड़े शहर तक का। मुझे क्या छोटे शहर से बिल्कुल अलग लगा, पहली बात मैं यहाँ आया, सबसे मैं पहली बात तो यह है कि मैं जब छोटे शहर से बड़े शहर आया ग्रेटर नोएडा, तो मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखी, मैंने बिल्कुल भी पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने बिल्कुल भी पहले फिल्मों में देखी थी। इसी तरह टीवी में मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखी थी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। मैं पहली बार देखा तो मेरे लिए बहुत ही खास था वो पल। मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिला है। जैसे आदमी फर्स्ट टाइम ताजमहल देखता है, वैसे ही मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर खुशी मिली। और यहाँ के मतलब रोड भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सभी जगह नहीं लेकिन ज़्यादातर रोड काफ़ी बड़े बड़े चौड़े होते हैं जो और शहरों के मुकाबले। और यहाँ आपको मेट्रो मिल जाती है, फर्स्ट टाइम अगर आप मेट्रो में सफ़र करोगे तो उसका सच में मज़ा ही अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अलग ही तरह की यात्रा होती है। वहाँ आपको अलग तरह के लोग मिलते हैं, सभी तरह के लोग मिलते हैं, वहाँ अलग ही मज़ा आता है। और वैसे यहाँ की भाषा भी अलग है, लोकल भाषा, वैसे तो ज़्यादातर यहाँ हिंदी चलती है, लेकिन सच में आप पहली बार आओगे ग्रेटर नोएडा NCR में तो आपको बिना मेट्रो आपको तो रह जाएगा नहीं। आप एक बार ज़रूर सफ़र करोगे मेट्रो का। और यहाँ मॉल भी बहुत दिख जाएंगी, वैसे मॉल तो छोटे शहरों में भी आजकल है, लेकिन यहाँ भी इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा मॉल नोएडा में है। और मेरा एक्सपीरियंस सच में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत ही मज़ा आया छोटे शहर से बड़े शहर में ग्रेटर नोएडा में आके। और अभी मेरे पीछे देख सकते हो ये फिल्म लगी पड़ी है विक्रम वेदा, और एक साइड में एक और फिल्म जो है ये और मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जब मैं पहली बार इस बिल्डिंग को देखा था तो मैं देखते ही रह गया था, सच में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। मैं पहली बार जब देखा था तो लगभग एक हफ्ते में इसको ही नहीं आता रहा। वैसे मैं यहाँ से गुजरता था रास्ते से तो इस होटल को, जो क्राउन प्लाजा होटल है, रोज़ देखते जाता था वैसे तो, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तो आधे घंटे एक घंटे तक एक ही जगह पर बैठा रहा और होटल को नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी होटल मेरे ख्याल से छोटे शहरों में नहीं होती हैं। तो
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ यहाँ का जो चाट है वो और शहरों से अलग रहता है, और यहाँ आपको मेरे ख्याल से बिरयानी मिल जाती है लोकल ठेले पे, जो यहाँ पे लोकल ठेले पे मिल जाती है बिरयानी, जो कि और जगह पे बहुत कम देखने को मिलती है। ग्रेटर नोएडा की खास बात है। और यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप चाहो तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।